हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेप्थ एजुकेशन वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, फाइनली इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म। फाइनली जेके बोपी की तरफ से नोटिस आ चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2021। देखते हैं नोटिस के अंदर क्या है। तो चलिए, मैंने नोटिस को ओपन कर दिया है, यहां पर हम नोटिस के अंदर देखेंगे दैट क्या इन्फॉर्मेशन दी है। जेके बोपी की तरफ से फाइनली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ऑफ नीट यूजी 2021। आप देख सकते हैं, हम पढ़ लेते हैं इसे। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द डिक्लेरेशन ऑफ नीट यूजी 2021 रिजल्ट बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन 1/11/2021 एंड विद अ व्यू टू अपडेट द कैटेगरी स्टेटस एंड प्रिपरेशन ऑफ द प्रोविजनल यूटी मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, इट इज हियरबाय नोटिफाइड दैट द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन नीट यूजी 2021 शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एंड अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अब आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन रजिस्टर जो है वो करने पड़ेंगे अप टू द डेट 16th जनवरी तक आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो चलेगी। अगर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मींस आपके 130 से प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप भी जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना स्टेटस आप देख सकते हैं। यहां पर जो लिस्ट आएगी उसके अंदर आपकी कैटेगरी मेंशन होगी, लेकिन आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, नीट यूजी स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है, 10+2 मार्क्स कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द यूटी ऑफ लद्दाख, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको उठानी है चढ़ानी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन चल सकती है। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द यूटी ऑफ are required to upload compulsory service bond which shall available in information brochure। तो ये आपने देखा था service bond लद्दाख के students के लिए था। The cutoff score for different categories is under। अगर आप open merit का जो student है या JKPM category है, PMF है या CDP है supports, अगर उसके marks 138 भी हैं तब भी वो registration कर सकता है, ठीक है। उसके बाद open merit EWS PWD, तो अगर आपके marks 122 हैं तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एससी एसटी आरबीए एएलसी आईबी ओएससी पीएसपी, अगर फ्रॉम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अगर उनका मार्क्स 108 है तब भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एससी एसटी आरबीए एएलसी आईबी ओएससी पीएसपी पीडब्ल्यूडी 108 है तो वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। The tentative NEET score list of candidates of Jammu and Kashmir who have appeared in NEET UG 2021 has already been notified। वो तो हमें पता है, वो पहले ही हमारे पास आ चुकी थी। हम देख लेते हैं, the information brochure for NEET UG 2021 courses shall be uploaded by the BOPI on the website। अब आपका information brochure भी upload किया जाएगा। The candidates are accordingly advised to go through the e-brochure, जो है वो जैसे ही आएगा मैं आप तक पहुंचा लूंगा। रजिस्ट्रेशन शेड्यूल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपकी 16 डेट तक होगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 19 डेट को आएगी, मतलब 19 डेट को आपको एक्चुअल कट ऑफ जो है वो मालूम हो जाएगा हर एक कैटेगरी का। ऑनलाइन फिलिंग अप ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म्स एंड टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोडेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, देयरफॉर द कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज्ड टू रिमेन इन टच विद वेबसाइट विद बोर्ड। तो अब आपकी फाइनली काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपकी डेट 11 से शुरू हो रही है, 16 डेट तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद 19 डेट को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मीन्स 19 जनवरी हर एक कैटेगरी का एक्चुअल कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये था आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। कॉल काउंसलिंग के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।